नमस्कार, मैं विशाल कुमार और आप देख रहे हो बी मिशन टीवी यूट्यूब चैनल को। आज हम आपके बीच यूपी की सियासत और यूपी में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे ज़्यादा बड़ी खबर को लेकर हाजिर हुए हैं। इस वक्त की सबसे ज़्यादा बड़ी खबर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय बहन कुमारी मायावती जी की तरफ से निकल कर आ रही है। उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव 2022 से पहले बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय बहन कुमारी मायावती जी ने दिया है काफ़ी ज़्यादा बड़ा बयान और कर दिया है काफ़ी ज़्यादा बड़ा ऐलान। आज की इस वीडियो में हम आपको पूरी खबर, पूरा मामला विस्तार पूर्वक समझाएंगे। आप बने रहिए इस वीडियो में, इस वीडियो करिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। आइए हम आपको पूरी खबर, पूरा मामला विस्तार पूर्वक समझाते हैं। जैसा कि हम आपको बताने की कोशिश करें, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी यूपी में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव दिखाई दे रही हैं। मायावती ने हाल ही में 7 सितंबर को अपने पार्टी कार्यालय यानी BSP के जो प्रदेश का जो पार्टी कार्यालय लखनऊ में, वहाँ पर एक विचार संगोष्ठी की और उसमें भी काफ़ी ज़्यादा बड़े ऐलान किए। उसके ठीक आज आए लगभग 10 सितंबर है, उसके ठीक 3 दिन बाद मायावती ने 3 ट्वीट करके काफ़ी ज़्यादा बड़ा ऐलान भी कर दिया है। तो हम आपको बताते हैं मायावती ने क्या कुछ ट्वीट किया और क्या कुछ बड़ा ऐलान किया है। सबसे पहले ट्वीट में मायावती ने बोला है, BSP का आगामी यूपी विधानसभा आम चुनाव में प्रयास होगा कि किसी भी बाहुबली व माफिया आदि को पार्टी से चुनाव ना लड़ाया जाए। इसके मद्देनजर ही आजमगढ़ मंडल की महू विधानसभा सीट से अब मुख्तार अंसारी का नहीं बल्कि यूपी के BSP स्टेट अध्यक्ष श्री भीम राजवर के नाम को फाइनल किया गया है। यानी मायावती ने साफ कर दिया, भू माफिया और किसी भी तरह के बाहुबली को BSP के बैनर तले चुनाव नहीं लड़ाया जाएगा और जो महू विधानसभा है आजमगढ़ मंडल की, वहाँ से मुख्तार अंसारी को नहीं अब की भीम राजवर जी को मैदान में उतारा जाएगा। उनका नाम फाइनल किया है, भीम राजवर जी महू विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। पहले ट्वीट में ये सब खबर निकल के आई है। दूसरे ट्वीट में बोला है, जनता की कसौटी व उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने के प्रयासों के तहत ही लिए गए इस निर्णय के फलस्वरूप पार्टी परिवारियों से अपील है कि वे पार्टी उम्मीदवारों का चयन करते समय इस बात का खास ध्यान रखें ताकि सरकार बनने पर ऐसे तत्वों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने में कोई भी दिक्कत ना हो। मायावती ने साफ कर दिया है कि जो भी भूमाफियाँ, जो भी बाहुबली हैं, उन पर नज़र बनाए रख के अगर हमारी सरकार बनी तो इनको किसी भी तरह से बचा नहीं जाएगा। सी चुनाव तो नहीं लड़ा रही मायावती अपने पार्टी बैनर तले, पर उनको छोड़ेंगी भी नहीं। जो भी भूमाफियाँ, जो भी या बाहुबली हैं, अगर वो उनको सरकार बनने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। ये मायावती ने साफ बड़ा ऐलान कर दिया है। आगे बोला है, BSP का संकल्प कानून द्वारा कानून का राज के साथ ही यूपी की तस्वीर को भी अब बदल देने का है ताकि प्रदेश व देश ही नहीं बल्कि बच्चा बच्चा कहे कि सरकार हो तो बहन जी की, सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय जैसी, तथा BSP जो कहती है वह करके भी दिखाती है, यह पार्टी की सही पहचान भी है। मायावती ने साफ कई 3 ट्वीट किए, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात बोली। मायावती ने ये भी बोला, जो BSP कहती है वो करके दिखाती है, जो पार्टी हमारी सही पहचान है, जो भू माफिया उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और उनको चुनाव भी नहीं लड़ाया जाएगा और महू विधानसभा सीट से प्रदेश अध्यक्ष जो भीम राजवर जी, उनको चुनाव लड़ाया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर हमने आपको बताई मायावती के इन बयानों पर। आप अपनी कमेंट में राय देना। वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें।